तो ठीक है, थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं अपन कि क्या चीज चल रही है ना। लेकिन अभी दरअसल आया नहीं है कुछ नया, जो नया सिलेबस है वो आया नहीं है, लेकिन हाँ जल्दी आ जाएगा। लेकिन ये चीज भी कंफर्म, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है ना? हाँ ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये चीज डिसाइड हो गई है कि भाई 33% सिलेबस कम हो रहा है ना। सीबीएसई एनसीईआरटी सारे लोगों ने आपस में बात करी, और ह्यूमन रिसोर्सेज एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसने भी बात करी है। तो ये चीज कंफर्म हो गई है कि सिलेबस तो कम होने वाला है ना। ऑनलाइन वाली जो अभी तक जैसे हम सेशन में चला रहे थे कि भाई ऑनलाइन सेशन चालू है उस पे भी जो पढ़ाई हो रही है वो भी काउंट हो रही है, लेकिन अभी थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि वो इतना ही, गुड मॉर्निंग बेटा, वो इतना ही वो कर रहा है कि 33% सिलेबस कम करना है। कौन से टॉपिक्स, पूरी की पूरी यूनिट गायब नहीं कर रहा है ना, पूरी यूनिट गायब नहीं हो रही है, कुछ टॉपिक रहेंगे स्पेसिफाइक जो गायब कर रहे हैं, लेकिन ये रहेगा सिर्फ इधर हमारे कौन से बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ही अभी जो टाइम शेड्यूल आने वाला है उसमें बोर्ड एग्जाम के ही हिसाब से टॉपिक्स वो कम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो नीट होने वाली है, अगर हम एनटीए की बात करें तो अभी जो नीट होने वाली है उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं ना, उसके कोई टॉपिक्स कम नहीं होने वाले। एक मैंने टेलीग्राम पे लिस्ट भी सेंड करी थी, 96 उसमें टॉपिक्स दिए हुए, उतने 96 टॉपिक हमको तैयार करने ही है ना, उतने तो करने ही है अभी भी। लेकिन जो 2021 और 22 की अगर बात करें तो 2021-22 के लिए अभी डिसाइड नहीं है कि क्या टॉपिक्स कम। अगर बाय चांस अगर इधर सीबीएसई एनसीईआरटी ये अगर अपना सिलेबस कम कर देती है, जैसे कर ही रही है, जाहिर सी बात है कर रही है, लेकिन अभी कोई ऑफिशियली ऐसा नहीं आया लेकिन कर रही है, तो अगर ऐसा होता है तो जो नीट होना है 2021 और 22 उसकी भी कम हो जाना है ना, टॉपिक्स कम हो जाना है, ये कंफर्म है। तो ऐसा नहीं है कि हमको पढ़ाई छोड़ देना है कि टॉपिक कम हो रहे हैं सिलेबस कम हो रहा है, नहीं, जो जैसे तैयारियों में लगे हैं वैसे तैयारी में लगे रहो। बस इतना सा करना है कि जो स्पेसिफाइक टॉपिक्स आएगा, जो हमारे पास सिलेबस आएगा, उस सिलेबस में जितनी चीजें दी हुई, जितने टॉपिक्स रहेंगे उतनी सारी चीजें हमको पढ़ना पड़ेगा। कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो एकदम ही हटा देंगे तो वो एकदम ही नहीं पढ़ना है, और जो रहेगा उससे रिलेटेड जितनी चीजें रहेंगी उतनी हमको कॉम्पिटिशन एग्जामों के भी हिसाब से पढ़ना रहेगा। अब ऐसा इसीलिए कि स्कूलों में ही जब पढ़ाई नहीं हो रही या स्कूलों में वो टॉपिक्स नहीं हो आ रहा है, अब वो स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है वो बात अलग है, लेकिन स्कूल के लिए जो सिलेबस आ रहा है उस सिलेबस में अगर वो टॉपिक ऐड है तो वो कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी ऐड रहना ही है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। तो हमको जो आगे 2021-22, खासकर मैं भी उसी पर ध्यान दे रहा हूँ, 2021-22 के लिए तैयारी के लिए बोल रहा हूँ, तो उसमें अभी काफी टाइम है, 43 और 95 वीक है बचते हैं। अगर 2022 वाली अगर हम नीट के बारे में बात करें तो 95 टॉपिक्स है, मतलब 95 वीक्स है और 95 टॉपिक है, एक वीक एक टॉपिक के हिसाब से बच रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट के मिला के बता रहा हूँ। तो इतनी चीजें भर करना है, और अगर अभी अगर 2021 के लिए अगर कोई तैयारी करता है, आगे का शेड्यूल सब कुछ टाइम पे चलना है, आगे का कुछ भी चेंजेस नहीं होना है कि टाइम शेड्यूल चेंज हो जाना है, अभी जैसे ये आगे खिसकते सकते जा रहा है ऐसी चीजें उस टाइम में नहीं होना है, ये अभी भर चल रहा है कि ऐसी चीजें हो रही है कि टाइम शेड्यूल आगे जा रहा है लेकिन उस टाइम में नहीं होना है, तो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना है। तो पढ़ाई ऐसे नहीं कर देना है कि कम कर दो, नहीं, जैसी पढ़ाई चल रही है उससे अच्छे से करने लगो, क्योंकि अब ये चीज रहेंगी कि, और कट ऑफ की अगर बात आती है, कट ऑफ तो बिल्कुल नीचे नहीं जाने वाला है। अभी हम पिछले कुछ टाइम से बात कर रहे थे कि हो सकता है कट ऑफ नीचे चले जाए, हाँ नीचे जाने के कोई चांसेस नहीं है कि नीचे चले जाए ना, बिल्कुल नहीं जाने वाला है, कट ऑफ ऊपर ही जाना है। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर क्या चीज हो रही है, सिलेबस कम हो रहा है, लिमिटेड चीजें हो जाएंगी हमारे पास पढ़ने के लिए, तो हमको उतनी चीजें बेहतर बनाओ ताकि हम अच्छा स्कोर कर पाए। सारे सब्जेक्टों में यही थ्योरी होगी कि भाई हमारे पास लिमिटेड टॉपिक है तो हम अच्छे से उसकी तैयारी कर ले और उनमें स्कोर कर ले, है ना? ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ डाउट है सर किसी को फिजिक्स तो केमिस्ट्री का भी बेटा? सबका 9 से 12th तक का सबका सिलेबस कम हो रहा है, कम से कम 33% कम हो रहा है। ठीक है, और उसमें जो सिलेबस उधर कम होने वाला है, अभी ऐसा कंफर्म नहीं हुआ है कि एनटीए ने ये नहीं बोला है कि वो नीट का भी सिलेबस कम करेंगी, पर ये भी कंफर्म है कि
उतना ही सिलेबस आएगा जितना स्कूल में इधर डिसाइड होगा, है ना, क्योंकि ये अकेले सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर बोर्ड के लिए नहीं चल रहा है, पूरा सीबीएसई पूरा एनसीईआरटी के लिए बात चल रही है कि ये इतना सिलेबस कम होना है ना। तो 2021 और 22 के लिए खैर अभी रहेगा कि उसमें भी सिलेबस कम हो नीट का, ठीक है। और जो अभी जो 2020 में आने वाली, इसके लिए कुछ भी अभी ऐसा नहीं आया है कि इसका सिलेबस कम कर रहा है, नहीं, अभी तो जितना वो है, जितना सिलेबस है उतना ही आएगा, है ना। जैसे कुछ टॉपिक आते हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल कोई एक टॉपिक जैसे बायो फोर्टिफिकेशन आता है आगे चल के, वो टॉपिक उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, बायो पायरेसी बायो पैटेंट इनके ऊपर उतना ज्यादा नहीं आता है ना। तो ये जो ऐसे छोटे टॉपिक्स है कुछ जो फालतू जैसे है या जिनसे कम क्वेश्चन बने हैं, वो टॉपिक्स हटने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे, लेकिन अभी कोई लिस्ट नहीं है तो हम ऐसे कुछ बोल नहीं रहे। जैसे ही ऐसी कोई लिस्ट आती है, सिलेबस का कोई पैटर्न आता है, तो वो मैं बता दूंगा, है ना। ठीक है, यहाँ पे कुछ यस डाउट इससे रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड? यस देखो एक ही चीज बोलूंगा मैं यहाँ पर, सिलेबस को लेके कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है उससे हमको मतलब नहीं रखना है। जो कम टॉपिक होगा वो जाहिर सी बात है वो इजी वाला, बहुत इजी वाले टॉपिक्स कम होंगे, है ना। अब बहुत इंपॉर्टेंट वाले हार्ड वाले टॉपिक्स कम नहीं होने वाले, जो एकदम इजी है वो हटेंगे, क्योंकि वो ऐसा है कि अगर बाय चांस कॉम्पिटिशन एग्जाम में वो टॉपिक आ भी गया तो बन जाना चाहिए, और वो ऐसे टॉपिक्स कम करेंगे जो उस दूसरे टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे, है ना। जैसे मान लो हम यहाँ पर ही मान लो इसी चैप्टर में हम फ्लावर का स्ट्रक्चर 12th से गायब कर सकता है। क्यों गायब कर सकता है? क्योंकि ये 11th का था, है ना। यहाँ पे जो ये हम ये पॉलन ग्रेन पढ़ रहे हैं, है ना, एम्ब्रियो से एक पढ़ने वाले हैं, है ना, ये सब चीजें वो गायब कर सकता है। क्यों गायब कर सकता है? क्योंकि ये सब पोर्शन 11th का है, ना कि ये 12th का है ना। रिप्रोडक्शन की कुछ मेथड्स है ना, ये थोड़ी सी गायब हो सकती है, खासकर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये थोड़ा सा गायब हो सकता है ना। फिर अगर हम थर्ड चैप्टर पे बात करें तो थर्ड चैप्टर में नहीं, थर्ड चैप्टर से नहीं होगा क्योंकि वो पूरी यूनिट ही यहीं पे है ना। जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स से यहाँ जो 12th में जो क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम हो गया, क्रोमोजोम का पैटर्न हो गया, ये सारी चीजें वो गायब कर सकता है क्योंकि ये भी 11th का पोर्शन है। डीएनए का स्ट्रक्चर वाला गायब कर सकता है ना, डीएनए का यहाँ पे जो 6th चैप्टर में जो डीएनए मॉडल वो दिया हुआ है वो यहाँ से हटा सकता है क्योंकि वो भी 11th का पोर्शन है ना। उसके बाद अगर हम डिसीज की बात करें तो डिसीज वाला पोर्शन भी थोड़ा सा हट सकता है क्योंकि हम आगे के जो मतलब जो हम 11th में जो सिस्टम पढ़ रहे थे उन सिस्टमों में सब में डिसीज है, लास्ट में सब में डिसीज ही है, तो वो डिसीज यहाँ से हटा सकता है ना। बैक्टीरियल डिसीज हटा सकता है, क्यों हटा सकता है? क्योंकि वो हमने मोनेरा जगत में कोकाई बेसिलाई पढ़ना चाहिए था, बैक्टीरिया वहां पर पढ़ना चाहिए था, 12th से ये चीज गायब हो सकती है। जैव विकास में जो जीवन की उत्पत्ति वाला जो पोर्शन है वो द लिविंग वर्ल्ड में है ना, उस यूनिट का है, तो वो यहाँ से हट सकता है। और फिर अगर अगले की हम बात करें तो नहीं, अगला 9th और 10th उतना ज्यादा नहीं हट सकता है। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी फुल टू यहीं पे है तो वो हटने के चांसेस नहीं रहना है। इन्वायरमेंटल इश्यूज हट सकते हैं क्योंकि वो द लिविंग वर्ल्ड में आ जाते हैं, पॉपुलेशन वहां पर आ जाती है। तो ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हट सकते हैं लेकिन वहां पर, है ना, जो हमारे 11th के पोर्शन के, इसीलिए बोलते हैं 11th का बहुत जरूरी है। अब अगर यहाँ से 12th की बात कर रहा हूँ फिलहाल मैं, कि अगर 12th से कोई चैप्टर्स जाते हैं तो ये चैप्टर्स हटेंगे सारे, क्योंकि ये सारे के सारे चैप्टर 11th के है ना, या ये सारी जो हेडिंग्स है ये टॉपिक्स है ये हट सकते हैं, ये नहीं बोल रहा हूँ कि हटेंगे, ये मेरा खुद का मानना है ऐसा, है ना। अभी ऐसा कोई ऑफिशियली आया नहीं है क्योंकि ये जो पोर्शन है 11th पे आ रहे हैं, तो इस चीज से थोड़ा सा मतलब अलग रहो कि सिलेबस कम हो रहा है, सिलेबस कम हो रहा है ठीक है, लेकिन हमको पूरी चीजें अभी जब तक कोई नया पैटर्न नहीं आता है तब तक हमको नया पैटर्न पुराना पैटर्न ही पढ़ते हुए चलना पड़ेगा। जैसे ही नया आता है हम उतने टॉपिक्स छोड़ देंगे, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है इससे रिलेटेड बेटा? नो सर। ठीक है।
ठीक है, तो हम फिर अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, है ना। और नीट और जेएनटी का भी अगर हम थोड़ा सा अगर बात कर ले, तो अभी उसका कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। जैसे ही उसका कोई नोटिफिकेशन आता है वो चीज भी बता दूंगा। चलो ठीक है, कल हमने यहां तक, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। क्या चीज हो रही थी यहाँ तक? हमने कल पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देख लिया था, है ना। उसको स्टोर करने के लिए हमने बता दिया था कि लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे हम स्टोर करके रखते हैं, और इसको स्टोर करना पराग बैंकिंग कहलाता है ना। तो ये चीज हमको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये टेम्परेचर हमको याद रखना है, लिक्विड नाइट्रोजन याद रखना है कि किसी भी चीज को हम स्टोर करके रख रहे हैं, तो लिक्विड नाइट्रोजन में ये बहुत सारी जगह पे आएगा अभी, है ना। ठीक है, अगली चीज अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर की बात करें, तो हमने इसके लिए याद रखना है कि बाहर साइड जो एंजाइम रहती है वो स्पोरोपोलिनिन की रहती है, और वो हर एक अनस्टेबल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है पोलिन ग्रेन को, है ना। फिर जहां पर जो स्पोरोपोलिनिन नहीं प्रेजेंट होती है वो वाला पार्ट क्या कहलाता है? यहाँ पे जर्म पोर कहलाता है, और वहीं से जो पोलिन ट्यूब है, पराग नली है, वो आगे चल के विकसित होती है। फिर इसमें वेजिटेटिव न्यूक्लियस ही ट्यूब न्यूक्लियस कहलाता है, और ये पोलिन ट्यूब को वृद्धि करने में मदद करता है ना। अब यहाँ पे नीचे साइड में देखो, ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, ये भी बनाना है बेटा, है ना, आज के लिए ये, ठीक है, ये बनाना। अब क्या चीज हो रही है यहाँ पे? एक पूरा पॉलन ग्रेन बन गया, ये एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बन गया। अब क्या चीज हो रही है इसमें? ये कहाँ पर जा रहा है? परागण हो रहा है, और परागण में क्या चीज होती है कि पराकोष से पॉलन ग्रेन निकल गया और कहाँ पे चले गया? वर्तिकाग्रे स्टिग्मा के ऊपर चले गया। जब स्टिग्मा के ऊपर जा रहा है वो, तो वहां पर क्या होता है? उसमें अंकुरण होता है, और अंकुरण कहाँ पे होता है? ये वर्तिकाग्र के ऊपर में होता है ना। अब वर्तिकाग्र के ऊपर चले गया, तो हमने बोला था कि इसमें क्या है? एक्जाइन और इंटाइन है ना। तो जहां पर एक्जाइन, जहां पर एक्जाइन है और यहाँ पर स्पोरोपोलिन नहीं है, वहां पर जर्म पोर है ना, जनन छिद्र है। इस जनन छिद्र के पास से क्या होती है? ये जो इंटाइन रहती है वो एक ट्यूब के रूप में, नली के रूप में क्या होती है? ऐसे यहाँ पे बाहर की ओर वृद्धि करने लगती है। जब ये बाहर की ओर वृद्धि करती है, और ये जो बनती है नली, ये क्या कहलाती है यहाँ पे? पॉलन ट्यूब कहलाती है। और इसके अंदर में ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है, या ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, वो यहाँ सामने की ओर चलते रहता है, और ये आगे चल के उस पॉलन ट्यूब को वृद्धि करने में मदद करते रहता है ना। तो ये चीज हो रही। उसके बाद में क्या हो रहा है यहाँ पे? जो जनरेटिव न्यूक्लियस है ना, जो जनरेटिव न्यूक्लियस है, ये क्या होता है? जो जनरेटिव न्यूक्लियस है, ये जनरेटिव न्यूक्लियस में यहाँ पर विभाजन चालू हो जाता है, और विभाजन से क्या होता है? उससे दो मेल गैमिट बन जाते हैं, ये दो मेल गैमिट बनने लगते हैं यहाँ पे, है ना। ये देखो, यहाँ पे दो केंद्रक बन गए, फिर ये दो पीछे साइड में यहाँ पे मेल गैमिट बन गए। जैसे जैसे पॉलन ट्यूब बढ़ने लगती है, जो भी साइटोप्लाज्म रहता है उस पॉलन ट्यूब में जाने लग जाता है, और ये ट्यूब न्यूक्लियस आगे की ओर चलते हुए इसको विकसित होने में मदद करते रहता है। और जब ये पराग नली बीजांड के अंदर में पहुंच जाती है, तो वहां पर क्या होता है? निषेचन होता है। ठीक है, तो इतना होता है जो यहाँ पे मेल गैमेट है उसका विकास, है ना। तो ये हमको यहाँ पे इसका डायग्राम भी तैयार करना है, कैसे क्या चीज हुई है ये भी याद रखना है। मेन तो सिंपल सा इतना सा है कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस ट्यूब न्यूक्लियस बदल जाता है, और इंटाइन आगे की ओर डेवलप होते जाती है, और एक ट्यूब बनाती है जो पॉलन ट्यूब कहलाती है, और इसमें ये आगे की ओर चलते रहता है ना। फिर जो यहाँ जनरेटिव न्यूक्लियस रहता है, दो मेल गैमेट में बदल जाता है, और जब ये पॉलन ट्यूब विजांड के अंदर में ओरी से वो स्टाइल से होते हुए ओरी से होते हुए फिर कहा विजांड में चले जाती है, तो फिर निषेचन हो जाता है ना। इतनी चीज ठीक है यहाँ पे? जी ठीक है, म्यूट भी करना है, म्यूट भी करना है बोल के किसी ने मैसेज किया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक। अगली चीज आती है अंडप या स्त्री केसर की संरचना, है ना। अंडप या स्त्री केसर की संरचना, तो जो अंडप रहता है ये क्या चीज हो रही है यहाँ पे? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसमें तीन चीजें होती है। सबसे ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? स्टिग्मा, बीच वाला ट्यूब के जैसा स्टाइल, और नीचे वाला भाग कहलाता है ओरी। और ओरी के अंदर में ही क्या रहता है? ये
जैसे ओरी के अंदर में ही क्या रहता है, यहाँ पर बीजांड प्रेजेंट रहता है और ये है बीजांड, ठीक है। अब बीजांड में क्या चीज हो रही है, अब देखो यहाँ पे ये जो बीजांड रहता है ये कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, ओरी के अंदर में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, ओरी के अंदर में प्रेजेंट रहता है। इसका जो जो संरचना की जो डिटेल है वो पीछे साइड में लिखी हुई है ना, पर अभी यहाँ पर समझ लो उसको कि कैसे चीजें हो रही है ना, ठीक है। तो अब क्या चीज हो रही है यहाँ पे, बीजांड ये कैसा है, इस ओरी के अंदर में है, ये बाहर साइड में कैसे थी, यहाँ पे ओरी थी, ठीक है। तो ओरी के अंदर में जिस यहाँ पे जिस फिलामेंट से ये जुड़ा हुआ रहता है ओरी के साथ में, वो क्या कहलाता है, यहाँ पे फ्यूनिकल कहलाता है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, इस फ्यूनिकल के बाद में इसमें ऐसे यहाँ पर कुछ स्पेसिफाइक सेल्स प्रेजेंट रहती है, ये क्या कहलाती है, हीलियम कहलाती है, और ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है। फिर उसके बाद यहाँ ऊपर साइड में भी क्या होता है, एक स्पेसिफाइक सेलों का एक ग्रुप बना हुआ रहता है और ये क्या कहलाता है, चालीजा कहलाता है या चालजा कहलाता है, ठीक है। फिर इस बीजांड में क्या होता है, दो अध्यावरण रहते हैं, इंटिगमेंट लेयर रहती है। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछता है कि इंटिगमेंट लेयर कहाँ प्रेजेंट रहती है और कितनी होती है, तो कितनी है इंटिगमेंट लेयर, यहाँ पर दो इंटिगमेंट लेयर है, दो अध्यावरण है, और थोड़ा सा नेटवर्क में देख लो बेटा, यहाँ पर क्या है, दो इंटिगमेंट लेयर है, एक आउटर इंटिगमेंट लेयर है और एक क्या है, इनर इंटिगमेंट, आंतरिक अध्यावरण और बाहरी अध्यावरण, ये दो रहते हैं। बीच में क्या रहता है, यहाँ पे एम्ब्रियो सेक रहता है, भ्रूण कोश रहता है, ये क्या है बेटा, भ्रूण कोश। अब यहाँ पर दो वर्ड आते हैं, एक भ्रूण कोश आता है और एक भ्रूण कोश आता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो यहाँ पे बीच में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या है, भ्रूण कोश है, एम्ब्रियो सेक है, ठीक है। इसके अंदर में क्या रहती है, सबसे पहले तो एक सेल रहती है, ये जैसे यहाँ पर दिख रही है, ये यहाँ साइड वाले पेज पे डायग्राम पे देखो, फंक्शनल सेल रहती है। इस फंक्शन सेल में क्या होता है, डिवाइडेशन होता है और दो सेल बनती है, दोनों पोल पर चले जाती है, फिर उसमें डिवाइडेशन चलता है, इस तरह से क्या बनती है, टोटल आठ सेल बन जाती है। ये आठों कोशिकाओं में क्या हो रहा है, तीन सेल ऊपर की ओर, ठीक है, तीन सेल ऊपर की ओर जमा हो जाती है, ये क्या कहलाती है, एंटीपोडल सेल, और तीन क्या रहती है, यहाँ नीचे की ओर आके जमा हो जा रही है, ये क्या कहला रही है, यहाँ पे एक एपरेटस कहलाती है, एक एपरेटस, ये जो सिनरेजाइट सेल बोल रहे हैं और हम एक बोल रहे हैं, यहाँ पर ये क्या कहलाती है, एक एपरेटस कहलाती है, ठीक है, अंड उपकरण, ठीक है, अंड उपकरण, एक एपरेटस। अब इसमें क्या होती है, दो जो सेल रहती है वो क्या रहती है, सिनरेजाइट सेल रहती है या सहायक कोशिका, और एक क्या होती है, एक सेल होती है, ठीक है। अब ये जो एक एपरेटस रहता है ये कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, जहां पर ये इंटिगमेंट लेयर नहीं होती है उस वाले साइड पे रहता है, और जिस स्थान पे इंटिगमेंट लेयर नहीं होती है वहां पर एक छिद्र होता है या एक पोर होता है, जिसको हम माइक्रोपाइल पोर कहते हैं, ठीक है, माइक्रोपाइल पोर कहते हैं। और इस माइक्रोपाइल के अपोजिट वाला भाग क्या होता है, चालजा होता है, इसीलिए इन सेलों को क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल बोलते हैं, ठीक है, इतना ठीक है बेटा। हाँ सर, भ्रूण, हाँ सर, यस सर, हाँ ठीक, ठीक है। अब क्या चीज है, यहाँ पे बीजांड के टाइप है, अलग अलग प्रकार के टाइप है, तो ये हमको यहाँ पर टाइप, अभी ये हम इसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है ये अभी थोड़ा सा आगे में देखते हैं, है ना। तो पहले उसके टाइप देख लेते हैं, किसके, बीजांड के। अब बीजांड कैसे हो रहा है, ऑर्थोट्रॉपस, है ना। अब यहाँ पे इसका हिंदी ऑर्थोट्रॉपस, रिजु रिजुवर्ती है ना, ऑर्थोट्रॉपस। तो अब ये जो टाइप बनाए गए हैं बीजांड के, ये किस आधार पे बनाए हैं, तीन चीजों के आधार पे बनाए, कोई बता पाएगा पुराने वाले में, पुराने वाले बच्चों में। चालाजा, माइक्रोफाइल हाँ और हाँ हाइलम, हाइलम, नहीं फ्यूनिकल, ठीक सॉरी है, सर, हाँ फ्यूनिकल, यस चालजा और माइक्रोपाइल, छिद्र के आधार पे इनकी जो स्थितियां है उसके आधार पे यहाँ पे बीजांड के टाइप है। तो सबसे पहला क्या है, ऑर्थोट्रॉपस, फॉर एग्जाम्पल में इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, जीरो एंगल पे, ठीक है, कि ऑर्थोट्रॉपस में क्या बनता है, 0 डिग्री का एंगल बनता है, क्योंकि तीनों के तीनों कैसे एकदम सीधी लाइन में, ठीक है, ठीक है। तो इससे याद रख लो कि एकदम सीधी लाइन में जब होते हैं तो वो क्या है, ऑर्थोट्रॉपस, और इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता ही है। फिर है एनाट्रॉपस, तो एनाट्रॉपस में क्या हो गया, ये माइक्रोपाइल पोर और फ्यूनिकल कैसे हो गए, पास पास में आ गए, तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, राउंडेड में जीरो, ठीक है, राउंड में जीरो, कि वो घूम के क्या हो गया, वापस आ गया, जहां कहां पे, फ्यूनिकल के पास में माइक्रोपाइल छिद्र आ गए। हेमी एनाट्रॉपस में क्या चीज हुई है, यहाँ पे 90 का एंगल बना लिया है तीनों चीजों ने, है ना,
हेमिएनाट्रोपस में 90 का एंगल बन गया, यहाँ पर ये माइक्रोपाइल छिद्र है, यहाँ पर ये 40 जाए और फ्यूनिकल कहाँ पे है, ये नीचे की ओर है, तो यहाँ पर क्या बन गया 90 का बन गया। फिर आता है कैम्फाइलोट्रोपस, तो कैम्फाइलोट्रोपस में क्या चीज हो रही है, ये जो यहाँ पे एम्ब्रियो सेक है ये कैसा हो जाता है, एक साइड में आ जाता है और ये भी कैसा बना लेता है, यहाँ पे लगभग 90 का एंगल बना ले रहा है, ठीक है। और जो एम्ब्रियो सेक है वो कहाँ पे आ गया, माइक्रोपाइल छिद्र के पास में आ गया ना, माइक्रोपाइल पोर के पास में आ गया। उसके बाद आता है एम्फीट्रोपस, तो एम्फीट्रोपस में क्या चीज हुई है, ये जो एम्ब्रियो सेक है ना, अब यहाँ पर भी क्योंकि लगभग 90 का ही एंगल बन रहा है ना, तो ये जो एम्ब्रियो सेक है इसमें क्या होता है, कर्व आ जाता है ना, किडनी के जैसे हो जाता है, ये कर्व आ गया इसमें, किडनी के जैसे हो गया और घोड़े के नाल के जैसे दिखाई देने लगता है एम्फीएनाट्रोपस में। फिर है सार्सिनोट्रोपस, सार्सिनो सर्कुलर हो गया, ये याद रख लो, सार्सिनो में क्या हो गया, सर्कुलर हो गया, मतलब वो कैसा हो गया, कुंडलित हो गया, पहले माइक्रोपाइल छिद्र कहाँ पर था, नीचे की ओर था, तो पहले क्या था, सबसे पहले जैसे यहाँ इस ऑर्थोट्रोपस से याद रखो कि सबसे पहले कैसा था, ऊपर था, तो ऊपर से वो कहाँ पे घूम गया है, ऊपर से आके नीचे आके वापस से कहाँ चले गया है, ऊपर चले गया, कुंडलित हो गया, ठीक है, सार्सिनोट्रोपस में कुंडलित हो गया। अरे स्टार्टिंग से ही ऐसा रहता है या फिर बाद में चेंज होता है? नहीं, स्टार्टिंग से ही ऐसा रहता है, वो जब उसका डेवलपमेंट चलते रहता है उस टाइम में, लेकिन जब फाइनली जब ये कंडीशन आ जाना, ये ओवल वाली कंडीशन कि एकदम उसमें एम्ब्रियो सेक भी बन गया, एंटीपोडल सेल भी बन गई, सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बन गया, एग एपरेटस भी बन गया, तो जब ये पूरा डेवलपमेंट हो जा रहा है तो उस टाइम में वो कैसे हो जाना है, यहाँ पे पूरा कुंडलित हो जाना है, और ये रेनेनकुलस कुल के पौधों में पाया जाता है, ठीक है। इतनी चीज पे, इन दोनों पे कुछ डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है, अब क्या चीज हो रही थी, यहाँ पे ये बीजांड था, है ना, बीजांड के अंदर में ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये क्या है, भ्रूण कोष है ना, एम्ब्रियो सेक है, तो उसका डेवलपमेंट और उसका स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो उसका जो स्ट्रक्चर है उसे, उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है, अब ये आज बेटा आज ये भी डायग्राम बनाना, देखो आज के लिए क्या हो गया, यहाँ पे एक ये बनाना है, दूसरा ओवल का बनाना है, तीसरा ये टाइप बनाने, और चौथा ये बनाना, बस चार ही बनाने, ठीक है। कल के भी पूरे डायग्राम नहीं आए हैं अभी तक, सारे लोगों ने नहीं भेजे बेटा, ठीक है, पांच बनाना रहेगा आज, पांच डायग्राम। और कौन कौन से सर? अभी तो बताए बेटा, पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट बनाना है, ओवल का बनाना है, ओवल के टाइप बनाना है, और यहाँ पे एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर बनाना है, और एक एम्ब्रियो सेक भी बनाना है, ठीक है। दूसरी चीज ये है, सब लोग थोड़ा छोटे छोटे डायग्राम बना रहे, बेटा थोड़े थोड़े बड़े बनाओ, ये जैसे ये वाला डायग्राम है तो तुम लोग इसको आधा ही पेज में बना दोगे ना बेटा, इसको पूरा एक पेज कवर करो, एक पेज पे कवर करो, ठीक है, ठीक है। कल जैसे फ्लावर का बनाया था, चलो वो एक पेज में तीन बना दिए, तीन नहीं बेटा दो तक ही रहो, बड़ा बनाओ, थोड़े से बड़े डायग्राम बनाओ ताकि वो क्लियरली हमको दिखते रहे, है ना, बड़ा डायग्राम बनाना है। चलो ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, भ्रूण कोष का विकास और संरचना, तो यहाँ पर जब ये विकसित हो रहा है तो इसमें क्या चीज हो रही है, यहाँ पे नेक्रो हार्मोन रहते हैं, है ना, नेक्रो हार्मोन, ये क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे ओरिके से नेक्रो हार्मोन स्त्रावित होने लगते हैं तो ये क्या, एक भ्रूण कोष का डेवलपमेंट होता है। अब डेवलपमेंट हो रहा है तो क्या चीज हो रही है, सबसे पहले ओरी के अंदर में, ओरी के अंदर में क्या चीज हो रहती है, ऑर्की स्पाइरल सेल थी, उस ऑर्की स्पाइरल सेल से क्या बना था, यहाँ पे बीजांड बना था, और यहीं पे जो प्राइमरी ऑर्की स्पाइरल सेल है इससे क्या होता है, इसमें डिवाइडेशन होता है और यहाँ पे दो प्रकार की सेल बन जाती है, एक स्पोरोजिनस सेल बनती है और एक प्राइमरी पेराइट सेल बनती है, ये दो प्रकार की यहाँ पर सेल बनती है। तो जो प्राइमरी पेराइटल सेल है इसके अंदर में क्या होता है, डिवाइडेशन होते हुए चलता है और यहाँ पे क्या बन जाती है, हिप्लॉइड मेगा स्पोर सेल बन जाती है। हिप्लॉइड क्या बन गई, चार सेल बनी टोटल, तो उसमें से क्या बन गई, ये हिप्लॉइड मेगा स्पोर सेल बनी, और एक क्या है यहाँ प्राइमरी पेराइटल सेल थी, है ना, ऊपर में एक पेराइटल सेल थी और ये चार क्या बन गई यहाँ पे, हिप्लॉइड मेगा स्पोर। अब इन मेगा स्पोर सेल में क्या होती है, तीन छोटी रहती है और एक कैसी रहती है, बड़ी रहती है, इसमें फिर से यहाँ पे विभाजन होता है और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके सेल्स के अंदर में विभाजन हो रहा है। तो अब जब सेल के अंदर में विभाजन हो रहा है तो जो तीन सेल है ये थोड़ी सी अलग हो जाती है और क्या बनाती है, जी
डीजनरेटिव मेगा स्पोर बनाती है, और जो एक बड़ी वाली सेल थी ये क्या बनाती है, फंक्शनल मेगा स्पोर। और ये क्या होती है, जो ऊपर में डीजनरेटिव मेगा स्पोर रहती है ये धीरे धीरे क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है, गायब हो जाती है। और ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर है इसमें जो न्यूक्लियस रहता है उसमें डिवाइडेशन चालू हो जाता है, और डिवाइडेशन से एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनते हैं, दो से चार हो जाते हैं, चार से आठ हो जाते हैं। अब जो आठ हो गए तो क्या हुआ था, यहाँ पे ये जो दो बने थे वो दोनों पोल पर चले गए थे, ठीक है, दोनों पोल पर चले गए। इस साइड में दो बने, फिर इसमें दो से चार हो गए, यहाँ पर भी दो से चार हो गए। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे तीन तीन का ग्रुप बन रहा है, तो तीन सेल यहाँ पर ऊपर की ओर सेट हो जाना है, और तीन क्या होना है, नीचे की ओर सेट हो जाना। अब ये जो बची है यहाँ पे दो सेल, ये दो सेल क्या हो जाती है, सेंटर में आ जाती है, और ये क्या कहलाती है, पोलर न्यूक्लियस कहलाती है, ध्रुवीय केंद्रक कहलाती है, ठीक है। ये ध्रुवीय केंद्रक जब आपस में बाद में जब मिक्स हो जाता है तो ये क्या कहलाने लग जाता है, यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस कहलाने लग जाता है, ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये अभी जब अलग अलग है तो ये कैसा हो गया, पोलर न्यूक्लियस हो गया, और अब क्या बन गया, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस। और ये जो यहाँ पे तीन ऊपर की ओर गई थी ये क्या थी, एक एपरेटस थी। अच्छा, अब डाउट ये आ रहा होगा कि अभी तो हमने नीचे साइड में यहाँ पे एक एपरेटस बताया था और अब ऊपर बनता रहा है ना, तो क्या चीज हो रही, बेटा जिस साइड में माइक्रोपाइल छिद्र रहेगा उस साइड वाली जो तीन सेल रहेंगी वो क्या रहेंगी, एक एपरेटस रहेंगी, और जिस साइड में चालीसा रहेगा तो उस साइड में क्या होना है, यहाँ पे एंटीपोडल सेल होना। तो ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो इंटिगमेंट बने हुए हैं, ये इंटिगमेंट कहाँ पे है, ऊपर की ओर है, तो क्या हो गया, माइक्रोपाइल पोर कहाँ पे बन गया, यहाँ ऊपर की ओर बन गया ना, तो ये जो है ये क्या हो गया, एक एपरेटस हो गया। तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे एक एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट होता है, किससे, प्राइमरी ऑर्की स्पाइरल सेल से, और प्राइमरी ऑर्की स्पाइरल सेल से क्या बनती है, प्राइमरी पेराइटल सेल बनती है, और इससे डीजनरेटिव और फंक्शनल सेल बड़ी हुई होती है, उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और उससे क्या बन जाते हैं, आठ न्यूक्लियस बनते हैं, और आठ में से तीन ऊपर की ओर जमा होते हैं, और तीन क्या हो जाते हैं, नीचे की ओर जमा हो जाते हैं, और दो इसमें बीच में आ जाते हैं, जो बाद में क्या में चेंज हो जाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस में, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, एक अच्छा मतलब एक डेवलप मैच्योर एक एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है, इतना ठीक है, इतना ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो सबसे ज्यादा डाउट वाले क्वेश्चन या सबसे ज्यादा डाउट जो आते हैं वो यहीं पर आते हैं, और इससे एक ऑब्जेक्टिव कंफर्म है। अब यहाँ पर ये हमने क्या कर दिया, ये ओल ये पांचवा स्ट्रक्चर है जो तुम लोगों को बनाना है, ठीक है, पांचवा बस यही बनाना है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या चीजें याद रखनी है, एंटीपोडल सेल कहाँ थी, चालजा एंड की साइड में थी, और और एक एपरेटस कहाँ पर है, यहाँ पे माइक्रोपाइल पोर की ओर है ना, माइक्रोपाइल पोर की बीच में जो दो सेल है ये दोनों क्या है, पोलर न्यूक्लियस है ना, पोलर न्यूक्लियस। अब क्या चीज हुई, इस पोलर न्यूक्लियस पे एक बात आ जाती है कि जब ये पोलर न्यूक्लियस है तो ये कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, टू सेल, ठीक है, यहाँ पे क्या है, टू सेल है, और टू ही क्या है यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है, वास्तव में है न्यूक्लियस लेकिन अभी हम इनको क्या बोल रहे हैं, सेल बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज हो रही है, यहाँ पे टू सेल और टू न्यूक्लियस, लेकिन जब ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं और जब ये पोलर न्यूक्लियस से सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाता है तो यहाँ पर क्या चीज होगी, यहाँ पे टू न्यूक्लियस हो गया और क्या हो गई, वन सेल हो गई, ठीक है, टू न्यूक्लियस वन सेल हो गई, ठीक है, ठीक है। कब हो रही है, जब ये सेकेंडरी न्यूक्लियस बन रहा है, दोनों आपस में फ्यूज हो जा रहा है, दोनों में आपस में संलयन हो जा रहा है, तब ये चीज हो रही, ठीक है। अब क्या चीज हो रही है, यहाँ पे ये जो एग एपरेटस है इसकी जो ये सिंड्रेजाइट सेल्स है ना, जब पॉलन ट्यूब यहाँ से इंटर करती है, जैसे पॉलन ट्यूब जब इंटर करने लगती है तब ये सेकेंडरी न्यूक्लियस में बदल जाता है, और यहाँ पे ये जो सिंड्रेजाइट सेल है, अब ये भी पूछता है कि कौन सी सिंड्रेजाइट सेल, मतलब कितनी सिंड्रेजाइट सेल पॉलन ट्यूब के आने पर डीजनरेट होती है, तो कितनी होती है, सिर्फ एक ही होती है बेटा, क्योंकि वो एक ही साइड से यहाँ से इंटर करना है, एक ही एक होती है, बाद में वो दूसरी होती है, लेकिन उसने क्या बोला, पॉलन ट्यूब जब इंटर हो रही है तब कितनी डीजनरेट हो रही है। बेटा कंडीशन देखो ना, वो जो चीजें बोल रहे हैं उसकी कंडीशन देखना है, जब इंटर हो रही तब क्या हो रहा है, तब सिर्फ एक ही सिंड्रेजाइट सेल हो रही, जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने लगता है, यहाँ से एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होने लगता है, तब ये दूसरी वाली डीजनरेट होती है, पहले नहीं होती, पहले सिर्फ एक ही हो रही है, ठीक है,
ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर के लिए दूसरी चीज ये आती है ये कि कितनी जो भ्रूण कोश है एम्ब्रियोस एक है उसमें कितने न्यूक्लियस और कितने सेल है। तो जब ये यहाँ पे पॉलन ट्यूब नहीं आई है ना, पॉलन ट्यूब नहीं आई है या पॉलन ग्रेन नहीं आया है, तब तक इसमें क्या रहती है यहाँ पे एट सेल और ये एट सेल रहना है और एटी क्या रहना है यहाँ पे न्यूक्लियस भी रहना है। ठीक है, और जब ये न्यूक्लियस एट सेल और एट वाला रहता है तब ये कैसा रहता है यहाँ पे प्री मैच्योर रहता है कि जस्ट मैच्योर होने वाला ही है। लेकिन जब पॉलन ट्यूब आ जाती है या जब फर्टिलाइजेशन होने वाला रहता है तो क्या हो जाती है यहाँ पे सेवन सेल हो जाती है और एट न्यूक्लियस हो जाता है। ठीक है, एट न्यूक्लियस हो जाते हैं। क्यों ऐसा हो जा रहा है, क्योंकि ये जो पोलर न्यूक्लियस थे ये आपस में क्या हो जा रहा है वो आपस में फ्यूज होके सेकेंडरी न्यूक्लियस में चेंज हो जा रहे हैं, इसीलिए ये कंडीशन है। आवाज कट रही है नेटवर्क में, आना थोड़ा सा इधर है बेटा। ठीक है, तो ये जो कंडीशन हो रही है ये कंडीशन कब हो रही है दोनों में, एक जब वो प्री मैच्योर है तब का तब कैसी हो रही है एट सेल एट न्यूक्लियस हो रहा है, जब उसमें फर्टिलाइजेशन होने वाला रहता है तो सेकेंडरी न्यूक्लियस का डेवलपमेंट हो जाता है और ये जो अब सेकेंडरी न्यूक्लियस वाला जो एम्ब्रियोसेक बना है ये पूर्ण परिपक्व है मैच्योर एम्ब्रियोसेक है। ठीक है, पूर्ण परिपक्व है। तो वो अगर बोलता है कि पूर्ण परिपक्व में कितनी कोशिका और कितने केंद्रक होते हैं तो फिर नीचे वाले पे टिक करना है, और अगर वो बोलता है कि एक विकसित हो रहे एम्ब्रियो सेक में या विकसित हो रहे एक भ्रूण कोश में कितनी कोशिका कितने केंद्रक होते हैं, तो विकसित हो रहे में ये रहता है आठ कोशिका आठ केंद्रक। ठीक है सर, आठ कोशिका आठ केंद्रक ही रहेगा, विकसित नहीं होगा जब तक। तो हाँ वही मैं भी बोल रहा हूँ, है ना। ठीक है, वैशाली वैष्णवी, यस अभिभा, यस सर। ठीक है, सारे लोगों के नाम नहीं ले रहा हूं पर किसी लोग जो यहाँ सामने दिख जा रहे उतनी, पर भाई किसी को भी कोई भी डाउट है तो बोल दो, है ना। अभी तीन मिनट बचा हुआ है टाइम खत्म होने में, तो अभी बोलो फिर आगे बढ़ेंगे। और इसको बहुत अच्छे से याद रखना है किसी को डाउट? दूसरा क्वेश्चन है पूछूं? वो अगले वाले इसमें पूछ लेना ना। ओके सर, अगले वाले में वो कर लेना। इससे रिलेटेड है क्या किसी को कुछ? ठीक है, नहीं है मतलब, चलो। तो ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है, ये लास्ट स्ट्रक्चर है आज के लिए, पांच डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो थ्योरी लिखी हुई है यही जो चीज बताई अभी यही चीज है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो लैंगिक प्रजनन में है ना मूल गुणों के ह्रास होने की संभावना बढ़ जाती है, मतलब क्या चीज हो रही है, जो क्योंकि यहाँ पे दो प्रकार के गैमेट्स मिलते हैं इसीलिए जो पुराने जो कैरेक्टर्स रहते हैं वो गायब होने के चांसेस रहते हैं, नए कैरेक्टर आने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं ना। फिर कई कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या हमेशा द्विगुणित होती है, जैसे हमने बताया था दो तरह की सेल है, एक जर्मिनल सेल है और एक सोमेटिक सेल है। तो ये जो हमारी स्किन वगैरह दिख रही मसल्स वगैरह ये सब कैसी है सोमेटिक सेल है, तो वैसे ही प्लांट में भी क्या चीज हो रही, जो सोमेटिक सेल रही वो हमेशा कैसी होती है डिप्लॉइड होती है। फिर आवृत्त बीजियों में स्पष्ट रूप से पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, मतलब कुछ टाइम उसका द्विगुणित रहता है कुछ टाइम उसका अगुणित रहता है। ठीक है, फिर यहां पर एम्ब्रियोसेक त्रिगुणित होता है जो भ्रूण पोष होता है। अब भ्रूण पोष कब बनता है बेटा, अभी जब यहाँ पर पॉलन ट्यूब अंदर की ओर ऐसे इंटर कर गई और इसके अंदर में क्या चल रहे थे, दो मेल न्यूक्लियस चल रहे थे, है ना, दो मेल न्यूक्लियस थे। तो एक मेल न्यूक्लियस क्या होता है, इस एक के साथ में फर्टिलाइज हो जाता है और ये जो है एक एक, एक जो मेल स्पर्म था वो आगे चल के क्या होता है यहाँ पर आके सेकेंडरी न्यूक्लियस से हो जाता है। तो यहाँ पर कितने, पहले से ये 2n है ना, ये 2n है और एक ये n आके प्लस हो गया, तो ये टोटल कितना हो जाता है यहाँ पे 3n हो जाते हैं। ठीक है, तो त्रिगुणित होता है कौन, भ्रूण कोष, और जो भ्रूण कोष था है ना, जो ये भ्रूण कोष ये कैसी संरचना है पूरी यहाँ पे अगुणित संरचना है। ठीक है, ठीक है, फिर मेल एक और नर युग्मक अगुणित होते हैं। आवृत्त बीजियों का शरीर दो भागों में बंटा रहता है, एक प्रजनन भाग फूल वाले और दूसरा रहता है सोमेटिक पार्ट, है ना, कायिक भाग। फिर है पुष्प, ये बताया था रूपांतरित प्ररोह रहता है। तुलसी के अंदर में चार पुंकेसर रहते हैं, जो एंथर रहते हैं वो कितने हो रहे हैं, चार।
धतूरा और बैगन, ये बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आता है। धतूरा और बैगन में 5 केसर होते हैं, सरसों के अंदर में 6 होते हैं, गुड़हल के अंदर में वो देखे होंगे वो पीले पीले वो मेन बीच में जो स्टाइल जाती है उसके ऊपर बहुत सारे रहते हैं ना, तो उनकी संख्या यहाँ पर डिसाइड नहीं होती है। ठीक है, फिर लघु बीजाणु जनन से असंख्य लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, मतलब लघु बीजाणु जनन मेगा स्पोरोजेनेसिस में बहुत सारे पॉलन ग्रेन बनते हैं, बहुत सारे परागकण बनते हैं ना। फिर परागकोष की प्रविभाजी कोशिकाओं का, परागकोष प्रविभाजी कोशिकाओं का जिसमें डिवाइडेशन की कैपेसिटी होती है वो सेल्स का या उस टिश्यू का यहाँ पर ये बना होता है। ठीक है, फिर परागकोष में स्टोमियम एक स्ट्रक्चर बन रहा था वहां पे, टाइम लिमिट खत्म होने वाली है बेटा, फिर से कनेक्ट करना। ये ऐसा यहाँ पे एक पार्ट दिख रहा था जहां से क्या होता है स्फुटन होता है ना, तो वो क्या था स्टोमियम था, तो यहीं से फटके परागकोष फट रहे थे और परागकण बाहर आ रहे थे। फिर से कनेक्ट कर लो बेटा।